इंदौर के पलासिया थाने पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे बजरंग दल व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था। इस पर इंदौर पुलिस कमिश्नर द्वारा थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल कल शाम नाइट कल्चर को लेकर बड़ी संख्या में बजरंग दल और शिवसेना के कार्यकर्ता पलासिया थाने पहुंचे थे, लेकिन काफी देर जब तक कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया। वहीं बताया गया कि प्रदर्शनकारी पलासिया थाने पर पहुंचे और वहां पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहते थे, तो उन्हें पुलिस कमिश्नर के आने की सूचना देना थी। ये पूरी जानकारी केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही पुलिस कमिश्नर को मालूम हुई थी। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर थाने पहुंचे थे। पुलिस कमिश्नर ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि नाइट कल्चर और पबों में हो रही नशाखोरी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाना प्रभारी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन कई घंटों तक चक्का जाम किए जाने के बाद शहर के जो हालात हो गए थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा ये एक्शन लिया गया। घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल होने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस द्वारा 11 संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जिला जेल भेज दिया गया है, जिन्हें देर रात तक 12 बजे ही रिहा कर दिया गया। घटना को लेकर भोपाल में गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान के बाद एडीजी स्तर पर अधिकारी द्वारा जांच किए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं पूरी घटना को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल पुलिस मुख्यालय से जांच होना प्रस्तावित है। घटना को लेकर सीपी द्वारा यह भी बताया गया कि भोपाल से इस मामले को लेकर एडीजी स्तर के अधिकारी इंदौर आएंगे और पूरे मामले की जांच के बाद ही इस घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। पलासिया चौराहे पे जो घटनाक्रम हुआ है उस संबंध में पुलिस मुख्यालय से जांच किया जाना प्रस्तावित है, जिसके बारे में अग्रिम जानकारी पुलिस मुख्यालय से अपेक्षित रहेगी, इसलिए मैं अभी और जानकारी नहीं दे पाऊंगा। बाकी स्थानीय थाना प्रभारी जिनके थाना क्षेत्र में यह घटना हुई थी उन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन से संबद्ध किया गया है। सर, प्रदर्शन का क्या कारण रहा कि पुलिस को ये चीज बहुत प्रदर्शन, क्या ट्रैफिक जाम करना ही मुख्य यह पूरी वजह रही या और कोई वजह का काम नहीं कर प्रथम दृष्टया था? इसमें ये जांच का विषय रहेगा, तो जो पुलिस मुख्यालय से जो अधिकारी आ रहे हैं वो जांच में स्पष्ट कर पाएंगे कि किस कारण से ये घटना का प्रेसिपिटेशन हुआ है। देखिए, मैं इस कार्यालय में बैठता हूँ, पलासिया थाने में नहीं बैठता हूँ, और पलासिया थाने क्योंकि कल शाम को शाम तक इनकी ये सूचना थी कि पलासिया थाने में प्रदर्शन करना चाहते हैं। उनके जो बिंदु थे वो दो बिंदुओं के बारे में जानकारी मिली थी कि एक तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और बढ़ते हुए पब कल्चर के कारण नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इन दो बिंदुओं को लेकर के पलासिया थाने में प्रदर्शन किया जाना व्हाट्सएप के माध्यम से मालूम हुआ था, कोई आधिकारिक सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई थी, और वहाँ पर जो घटनाक्रम डेवलप हुआ उस दौरान चक्का जाम पलासिया चौराहे पर हुआ था, जिसके बाद की जो घटना है उसके उस संबंध में जांच भोपाल से एडीजी स्तर के अधिकारी करेंगे। अभी एक प्रकरण वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे अज्ञात में दर्ज किया गया है, और कुल मिलाकर के अभी इस प्रकरण में 4 पुलिसकर्मी और लगभग 11 बजरंग दल कार्यकर्ताओं का मेडिकल परीक्षण हुआ है।